हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए बिल्कुल आसान, हेल्दी और एग्जॉटिक। हम लेंगे चिकन ब्रेस्ट पीस, बिल्कुल लीन मीट, फुल ऑफ प्रोटीन। अब करेंगे इसे मैरिनेट। डालेंगे हम ऑलिव ऑयल, डार्क सोया सॉस, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, ब्लैक पेपर डालेंगे, रोजमेरी, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, थोड़ा कसूरी मेथी और पेपरिका पाउडर डालेंगे और एक नींबू को अच्छे से इसमें निचोड़ लेंगे। खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे मैरिनेशन के लिए हम 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको सुबह बनाना है तो आप इसे रात में मैरिनेट करके रख दें तो चिकन हमारा बहुत मॉइस्ट हो जाएगा और फ्लेवरफुल हो जाएगा। अब एक पैन में बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे ढककर पकने छोड़ देंगे। फिर इसे हम पलट लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत अच्छी तरह सिक गया है। फिर इसे दूसरी तरफ से ऐसे ही पका लेंगे। अब हम पास्ता को बॉईल कर लेते हैं। पानी में सिर्फ नमक डालकर हम पास्ता को बॉईल करेंगे। ये पास्ता हमारा बिल्कुल अच्छी तरह पक चुका है। फिर एक कढ़ाई में हम बटर डालेंगे, उसमें 2 चम्मच मैदा डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है। लाल नहीं होने देना है मैदा को, बस वो गाढ़ा होगा। उसमें 1 कप दूध ऐड कर लेंगे। हम ये फ्लेवरफुल चिकन को व्हाइट चीजी पास्ता के साथ सर्व करेंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि लम्स ना बने और ये गाढ़ा होने लगा। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा और दूध हम ऐड करेंगे क्योंकि इसमें पास्ता को भी पकाना है। अब इस व्हाइट सॉस में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक हम टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 चम्मच ऑरिगेनो डालेंगे। ये फ्लेवरफुल ऑरिगेनो है, बिल्कुल चटपटा टेस्ट है इसका। और अब हम अपने पास्ता को इसमें ऐड कर लेंगे और वाइट सॉस के साथ पास्ता को 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। ये बिल्कुल गाढ़ा और क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा इसका। ये बहुत खूबसूरत क्रीमी वाइट पास्ता तैयार है। तो यहाँ पर हम बहुत सारा चीज़ डालेंगे। चीज़ वाइट पास्ता की जान है, वो बहुत क्रीमी टेस्ट और टेक्सचर दोनों आता है। हमारा यम्मी पास्ता हो गया तैयार। अब इसे हम चिकन के साथ सर्व करेंगे। चिकन हमारा हो गया है रेडी। इसे कट कर लेंगे और ये बहुत मॉइस्ट है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत गर्म भी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये है फाइनल लुक, बहुत यम्मी हुआ है। आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। ये बच्चों को और बड़ों को, सबको पसंद आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।